नमस्कार। लोटस वर्ल्ड टीवी के सभी दर्शकों को राकेश गंजू का तहे दिल से नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि विजडम काउंसिल के इलेक्शन सर पे हैं। 24 अक्टूबर को लास्ट डे है इलेक्शन का। बहुतों ने वोट डाले हैं, बहुत अभी डाल रहे हैं, लेकिन बहुत अभी सोच रहे हैं कि ये वोट कैसे डालें, क्योंकि उनको बहुत कंफ्यूजन है। बहुतों को पता नहीं है कि प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम क्या होता है। सभी के दिलों में जो भी सवालात खड़े हुए हैं, उन सब सवालात सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में नामी ग्रामी हस्ती को आज हमने इनवाइट किया है, जिनका नाम है इम्तियाज खान। तो सबसे पहले हम इम्तियाज खान जी का स्वागत धन्यवाद करते हैं धन्यवाद अपने स्टूडियो में। राकेश जी एंड हैविंग मी ऑन ऑन योर प्रोग्राम। ये अच्छा लग रहा है कि आपने लोटस वर्ड जो है एक न्यू चैनल बनाया है, इसके माध्यम से जो यहाँ पे इतने भी सारे हमारे हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं, जो दूसरे कंट्री से लोग आए हुए हैं, जो इस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब के लिए जो आप जिस तरीके के लोगों से जाके जो उनके पार्टिसिपेशन का जो है कि एक लोगों को अवेयरनेस करा रहे हैं, उसके लिए आपका जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का भी और आपका भी। और आप क्वेश्चन पूछिएगा तो मैं आपको बताता हूँ कि पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन पूछा था। इम्तियाज जी, सबसे पहले अगर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में दोगे, ताकि जो कि हमारी श्रोतागण हैं उनको पता चले कि आपका बैकग्राउंड क्या है और अभी आप क्या कर रहे हो, सिंस आप यू आर द सिटिंग काउंसलर। थोड़ा बहुत एक आइडिया अगर मिलेगा लोगों को तो दैट विल बी गुड। धन्यवाद क्वेश्चन पूछने के लिए राकेश जी। आप मैं 2012 में जो है यहाँ से विंडम सिटी काउंसिल से जो हमने इलेक्शन लड़ा, तो हमारी पॉपुलेशन जो है इंडियंस की यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड है विंडम सिटी काउंसिल में। तो यहाँ पे पूरी विंडम सिटी काउंसिल जो है वो विक्टोरिया स्टेट में एक ऑब्वियसली मेलबर्न से जो है कि 20 से ज़्यादा नहीं है, 28 किलोमीटर से लेके जो है कि 35 किलोमीटर का, जैसे कि आप डिस्टेंस मान लीजिए, डिपेंड करता है कहाँ से आप किधर से किस रोड से आप आ रहे हैं। तो ये जो एरिया पूरा जो है वो बहुत बहुत एक ग्रोथ वाला एरिया है। तो यहाँ पे जो है कि 3 वार्ड है हमारे काउंसिल में, एक हैरिसन वार्ड है, फिर एक चेफी है, फिर एक इरामू वार्ड है। तो इन्हीं 3 वार्डों के तहत जो है इलेक्शन काउंसिल हर साल हर 4 सालों में इलेक्शन करवाती है। तो 2012 में मैंने फर्स्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट किया, तो मैं था और मेरे एक दूसरे कॉलीग थे गौतम गुप्ता जी। तो हम दो लोग जो है फर्स्ट टाइम जो है इंडियन जो है काउंसिल में इलेक्ट होके आए। सो वो विंडम की एक पहली हिस्ट्री हो गई कि जिसमें माइग्रेंट जो है, हमसे पहले कोई दूसरे माइग्रेंट नहीं थे, वी वर द टू फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, वी वर द टू इन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन फर्स्ट टाइम गॉट इलेक्टेड टू द विंडम सिटी काउंसिल। फिर उसके बाद 2016 में इलेक्शन हुआ, तो 16 में मैंने रिकंटेस्ट किया, तो देन आई ऑल्सो गॉट इलेक्टेड फ्रॉम द सेम वार्ड व्हिच इज हैरिसन वार्ड। हैरिसन वार्ड जो है उसके अंदर पॉइंट कुक आता है, विलियम्स लैंडिंग है, ट्रोगनीना है, हॉपर क्रॉसिंग है, तो ये सारे उसके सबर्ब्स के अंदर आते हैं। तो वोट का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट आपका जो है 65 से लेके 70,000 जो है वोट का साइज है। तो उसमें आपको जो है कि 4 इलेक्टेड मेंबर्स वो इलेक्ट करती है वोटर्स। तो इस तरह से होता है, सेम ऐसे ही फिर हैरिस उसमें चेफी वार्ड में है, जबकि साइज 50 से 60 हजार वोटों का साइज है, उसमें से 4 लोग इलेक्ट होते हैं। फिर दूसरे वार्ड जो तीसरा जो फाइनल वार्ड है उसमें 3 लोग होते हैं और जिसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट जो है 40 से 45 हजार जो है। तो जैसे जब आपने पहली बार कंटेस्ट किया इलेक्शन, सो आप उस समय आप जब आपने कंपेयर किया होगा भारत के इलेक्शन सिस्टम और ऑस्ट्रेलियन इलेक्शन सिस्टम में, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिले, क्या नॉलेज में कुछ कमी थी, क्या था, सो उसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हो? थैंक यू। जैसे कि आपने कहा कि मैंने जब 2012 में इलेक्शन स्टार्ट किया, तो वो हमारे इलेक्शन नॉर्मली अक्टूबर मंथ में होते हैं, जैसे कि इस बार हुए हैं। तो अब स्टार्टेड इन मई, तो आई थिंक 5-6 महीने पहले मैंने अपना इलेक्शन स्टार्ट किया। तो मई में वो इसलिए कि जो मेरे एडवाइजर्स जो थे जिनके साथ में मिलके मैं, मतलब कि जो मेरे मेंटोर जो कह लीजिए आप लोकल गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो एक ही चीज़ आप क्लियर मान लीजिए, आपको इनफ टाइम होना चाहिए कंपेन करने के लिए। जो कि आई ऑल्सो बिलीव कि अगर इंडिया में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप अभी, मैं नाम नहीं लूंगा लोगों का, लेकिन लोग अभी आए हैं और 2 हफ्ते पहले आकर उन्होंने फॉर्म भर दिया, फिर अपने झंडे लेके खड़े हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत जाएंगे। तो मेरी ख्याल से उनकी जो है
जो है कि इंटेंशन अच्छी हो सकती है पर उनका प्रोसेस अच्छा नहीं। तो मैं ऐसा कहता हूँ, अगर एग्जाम में आप जाइएगा और पूरे साल में ना पढ़ाई कीजिएगा, 15 दिन पहले जाके जो आप जो है कि उठा के चले जाइएगा, रिजल्ट जो इतना अच्छा नहीं आता है, वो लकी होता है कि आप पास हो जाते हो, नहीं तो नॉर्मली नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो है कि भारतीय समुदाय और ये बांग्लादेश समुदाय, पाकिस्तान समुदाय के लोग हैं, कुछ चाइनीज समुदाय के भी लोग हैं, जो एक्साइटमेंट होकर जो है कि फॉर्म उन्होंने भर दिया है बिना किसी होमवर्क के। तो मेरी अपनी सोच है कि कम से कम 6 से या 8 महीने जो है आदमी को जो इस पर वर्क करना चाहिए, तो फिर वो समझ में आता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक किसी को समझ में नहीं आती हैं। तो मेरा सक्सेस का वही था 2012 में जो मैंने स्टार्ट किया, आई हैड ए 5 मंथ इन माई हैंड, तो मैंने उसको प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया, कम्युनिटी को इन्वाइट किया, कम्युनिटी को पता चल गया कि भाई ये बंदा जो है हैरिसन वार्ड का कैंडिडेट है। तो फिर दूसरे लोग नहीं खड़े होते जो एक बार अपना अनाउंसमेंट कर देते हो, दे ऑल्सो रिस्पेक्ट यू कि भाई एक बंदा लड़ रहा है तो इसको आप लड़ने दें। तो इम्तियाज जी, आपने जो जवाब दिया ये सही, लेकिन मेरा जो सवाल था इट वॉज मोर रिलेटेड टू इलेक्शन सिस्टम उस समय। बाकी तो उस समय जब पहली बार आपने पर्चा भरा होगा, उस समय आपको वो चैलेंजेस, जैसे कि भारत का जो इलेक्शन सिस्टम है इट इज टोटली डिफरेंट देन व्हाट इज हियर, सो उस समय आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, आपको उनमें अपने आप को अडेप्ट कैसे किया, जो एक एजुकेशन कैंपेन चलानी पड़ी, बिकॉज कि आई एम श्योर कि आपको खाली अपनी कैंपेन ही, आपको अपने वोटरों को समझाना भी पड़ा भैया वोट कैसे डालना है। नहीं, वो आपने बड़ा अच्छा बताया कि यहाँ का जो वोटिंग सिस्टम है वो एब्सोल्यूट वोटिंग नहीं। इंडिया में क्या होता है या दूसरी कंट्रीज में, मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज में क्या है कि आपको जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला वो इलेक्शन जीत जाता है। यहाँ पे क्या ऐसा सिस्टम नहीं है। तो यहाँ का सिस्टम ये है कि मैं 2012 में जब मई में मुझे ट्रेनिंग लोगों ने किया, मुझे लोगों ने समझाया कि प्रेफरेंशियल सिस्टम जो होता है उसका क्या मायने है, उसके क्या मतलब है इसका। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर ये दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम है, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में इसको अडॉप्ट किया है कि हर वोट काउंट होती है। तो टेक्निकली अपने अपने इंडियन या अपने जो साउथ एशियन सिस्टम में क्या है कि 10-15 लोग खड़े हो रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर 100 वोट आए तो उनकी वो वोट डिवाइड हो जाएंगे, पता चला एक बंदा इलेक्शन जीत गया उसकी 11 वोट आए थे और बाकी के कम आए सपोज करो, या 12 वोट उसको 2-1 वोट से जीत गया, लेकिन 90% लोगों ने हो सकता है उस बंदे को पसंद नहीं किया हो, लेकिन कि उसे सबसे ज्यादा वोट थे आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स वो इलेक्शन जीत गया। यहाँ पे हो सकता है वो इलेक्शन ना जीत पाए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको मेजोरिटी के साथ में इलेक्शन जीतना है, एब्सोल्यूट वोटिंग का चक्कर नहीं है। तो इसका क्या मतलब है सीधे से, मतलब सिंपल में कि अगर मान के चलिएगा 100 टोटल हमारे पास वोट है और उसमें से 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं और 2 पोजिशन जीतनी है, 2 काउंसिल बनने हैं और टोटल वोट हमारे पास में जो है सपोज कीजिए 100 है। तो इसका जो एक फॉर्मूला जो होता है जो लोगों को समझना चाहिए वो ये है कि 2 में हम प्लस 1 जोड़ते हैं तो 3 बन गया वो, करेक्ट। और 100 को अब 3 से डिवाइड कर देते हो तो वो 33 वोट जिस बंदे का सबसे पहले आ जाएगा वो इलेक्शन जीत जाता है। तो नंबर ऑफ पोजीशंस प्लस 1 ऐड करके टोटल जो वोट होती है जो कि फोरकास्ट वोट होती है उसको डिवाइड करते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये कोटा बन गया आपका, भाई इतने आपने 33 वोट आपके आ गए तो आप जीत जाते हो। अच्छा, आपके उसके बाद में क्या होता है, अगर आपके आए 40 वोट तो जो एक्स्ट्रा आपके 7 वोट जो थे वो आपके विश होती है कि आप किस बंदे को ट्रांसफर करना चाहते हो। तो अगर मान के चलिएगा कि हमारे पास 4 कैंडिडेट थे और आप और हम दोनों मिलके लड़ रहे हैं, मेरे 40 वोट आ गए और आपके मान के 25 वोट आए हैं, तो मेरी जो 40 वोट आए हैं उनमें से 33 सिर्फ मुझे चाहिए थे तो 33 मेरे लिए एलोकेशन आ गया और 7 वोट जो है वो आपको मैंने ट्रांसफर करा दिए। तो मैं लिखूंगा कि 1 इम्तियाज को देना है, 2 राकेश जी को देना है, तो वो मेरे विश के ऊपर जो है वो आपको ट्रांसफर हो गया। अच्छा, वो यू विल डिसाइड बिफोर इलेक्शंस कि हु विल बी योर सेकंड चॉइस जिसको आपके एक्स्ट्रा वोट जाएंगे। वो प्रेफरेंशियल सिस्टम में वो होता है। तो आप इसको एक बेस पे आप ऐसा समझ सकते हैं कि हर जो 4 कैंडिडेट खड़े हुए ना, हर ने एक दूसरे को प्रेफरेंस देना है। कब फाइनलाइज होता है? बिकॉज़ एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन हमें आपको पता नहीं होता है कि हु आर द कैंडिडेट्स, सो व्हेन इट इज डिसाइडेड नॉमिनेशन के बाद। लेकिन समय तो पता नहीं ना कौन कौन से कैंडिडेट्स है।
तो देखिएगा होता नॉर्मली क्या है, नॉमिनेशन जिस खत्म जब हो गया ना उसके बाद नॉमिनेशन भर चुका है उसके बाद में आप ये डिसाइड करते हो आपने मुझे मैंने आपको दो दिया आपने मुझे दो दिया हो सकता है जो तीसरा जो घनश्याम जी साथ में हमारे वो भी मुझे दो दे सकते हैं तो मैं सबका चहेता हो गया अगर दो आपसे ले लिया मैं दो उनसे ले लिया तो इसका मतलब क्या होगा मेरी कम वोट आई है तो मैं आपकी वोट ही मुझे ट्रांसफर होगी उसकी वोट मुझे ट्रांसफर होगी तो मेरे पास ज्यादा वोट का सिस्टम आ गया। तो इसको अगर आप बेसिक एक एक एक, एक मतलब ज्यादा डिटेल में ना समझा जाए और एक एक ऑफ द शेल्फ समझा जाए तो ये है कि मेरे पास में अगर मान के चलेगा कि 20 वोट हैं और आपके पास में 10 वोट हैं और दूसरे के पास में मान के चलेगा कि 5 वोट हैं तो जो सबसे कम वोट वाला आदमी होता है वो सबसे पहले एलिमिनेट होता है। जैसे कि हम नहीं कहते लास्ट में जब हमें अगर रेस करनी है तो सबसे पीछे वाला इसको भगाओ निकालो बाहर का इसका सबसे ये आउट हो गया तो रेस में से आउट हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या है जो आउट होगा जितने भी लोगों ने उसको अपना 1-1 दिया तो उसके पास एक तरह का बॉक्स हो गया। वो कहते हैं मेरे पास जो है 10 रुपए हैं तो वो अपने 10 रुपए वो अपने मन से देके जाएगा किसको देने उन्हें पहले दे रखा है। सो ही हैव डिसाइडेड ऑलरेडी कि उसने नंबर 2 किसको दिया है। अब वो कहता है नंबर 2 इंतजाज खान को दे रखा है तो वो फिर इंतजाज खान को ट्रांसफर जाएगा। तो जब वो आपके प्राइमरी वोट कहलाए जाएंगे कि सेकेंडरी वोट कहलाए जाएंगे जब वो उसका जो उसका जो 10 नंबर जो उसको मिला 10 वोट उसको मिला था वो उसके प्राइमरी वोट थे। वो हमारे प्राइमरी वोट सपोज करो 12 थे लेकिन वो अब रेस से बाहर निकल रहा है तो 12 प्राइमरी वोट में वो उसका जो टोटल वोट जो है 10 भी ऐड हो गया तो अब मेरे टोटल जो है 12 और 10 22 हो गए। तो टोटल इन दिस केस देयर विल बी टोटल 22 वोट्स फॉर इम्तियाज खान करेक्ट करेक्ट। तो अब वो एक चला गया सेकेंडरी का वैल्यू बस सेम है देयर इज नो कि प्राइमरी का वैल्यू ज्यादा है सेकेंडरी का कम है ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो भी एक आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों को समझना कि वो आप ये समझिएगा कि उसके जब चार लोग खड़े हुए थे तो लोगों ने 1-2-3-4 लिखना होता है बैलेट पेपर पे तो 2 का जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट 80% होती है फिर 3 की वैल्यू होती है तो टोटल मिला के वो 100 नंबर ही रहता है पर वो फ्रैक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है आप ऐसा समझिए इसको। लेकिन वो सबसे ज्यादा 2 नंबर वाले को जाएगा। सो लेट्स अज्यूम उसकी 10 वोट आप ये मानिए उसकी जो 10 वोट है ना वो 10 ही वोट रहेगी वो बाहर नहीं जाने वाली वो कम नो वोट नहीं होने वाली लेकिन उसका जो प्रोपोर्शन जो है उसका जो फ्रैक्शन आप मानिए उसका जो हिस्सा जो बटना है उसको जो हम डिवाइड जो करेगा कंप्यूटर वो सबसे ज्यादा मिलेगा जिसने मान के चलिएगा कि घनश्याम जी ने कहा था कि मेरा नंबर 2 इंतजाज को जाएगा तो उसका 80% शेयर मेरे को मिलेगा। नहीं मैं अब यहाँ पे ऐसा बात करते हैं स्टैट्स में बात करते हैं अगर आपको टोटल मिले हैं प्राइमरी वोट्स लेट्स अज्यूम 50 मिले हैं ठीक है और आप मैं भी इलेक्शन में उठा था माई सेकेंड ऑप्शन वॉज इम्तियाज खान तो मैं हार गया मुझे आए 30 वोट तो 30 वोट ये आपको फिर ठीक है बिकॉज माई सेकेंड प्रेफरेंस वॉज इम्तियाज खान सो यू हैव 50 वोट्स प्लस 30 वोट्स सो कैन आई से इम्तियाज खान हैज 80 वोट्स करेक्ट यू कैन से दैट या ओके अब आपके 80 वोट है लेकिन वहां पे एक और बंदा है लेट्स अज्यूम राकेश शाहजादा है उनके पास प्राइमरी वोट 70 है जी भाई अभी उन दोनों आप उसमें कौन जीतेगा फिर आपके वोट हो गए मेरे पास 80 है उसमें से वो हार जाएगा आपके 80 वोट है और उनके प्राइमरी 70 वोट है वो ही इज लॉस्ट ओके गॉट इट दैट मींस इट इज इस टोटल वोट काउंट है गॉट इट तो इस एग्जांपल से ना इजी हो जाता समझना वेरी नाइस क्योंकि वो टोटल जो वोटिंग है टोटल वोट जो जितना भी गिरा वो वेस्ट नहीं होता है इट्स लाइक द फूड यू हैव इट वुड नॉट बी वेस्टेड जो जिन लोगों को खाना है उन्हें को वापस दिया जाएगा तो अब वो किसी का मान चलो उसको पहले ज्यादा प्लेट में मिल गया था तो ही माइट कैन से आई हैव 70 प्राइमरी वोट्स लेकिन दूसरे बंदे दूसरे प्लेट जब खाना आया तो उसका प्लेट बड़ी हो गई ओके एक बड़ा मैं समझा अच्छा लेकिन अगर आप इसको मैनुअल काउंटिंग की बात करते हैं लेट्स अज्यूम वी डोंट हैव अ कंप्यूटर टू काउंट इट ओके अगर हमको मैनुअली ये काउंट करना है सो व्हाट विल डिसाइड विल टेक द लीस्ट कैंडिडेट जिसको कम वोट आए वो तो हार गया उसके वोट हम सीधे देंगे जो उसे नंबर 2 रखा होगा उसको ऐड कर देंगे ऐसे ऐसे हम अपवर्ड्स करेक्ट
है ना। तो इसका इसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप जो है जब इलेक्शन में जाते हो तो बेस्ट तरीका ये है कि आपने ये देखना होता है कि टोटल कैंडिडेट कितने लड़ रहे हैं। मान के चलिए कैंडिडेट हैं, अभी आज की डेट में सपोज कीजिए कि मेलबर्न सिटी में इलेक्शन हो रहा है और वहां पे सिर्फ 11 काउंसिल इलेक्शन होने हैं, 11 काउंसिल बनने हैं और वहां पे मान चलिए कैंडिडेट हमारे पास 30 है, करेक्ट। तो आप ये 30 में से 11 लोगों को बैठना है, बाकी को निकल जाना है छोड़कर। तो समझदार आदमी वो है जो जितने ज्यादा लोगों से अपना कोलैबोरेशन कर ले, नंबर 2 ले ले उनसे, नंबर 3 उनसे ले ले, नंबर उनसे 4 ले ले। नंबर 3 का क्या, मुझे अभी तक समझ नहीं नंबर 3 का यहां पे इंपैक्ट फायदा क्या है, अगर जब नंबर 2 से ही हो रहा था कुछ। नहीं, वो मेरे ख्याल से जो है थोड़ा सा बहुत टेक्निकल होगा बताना, लेकिन उसका मैं ऐसे आपको बताता हूँ कि जब आप वोट कार्ड ऐसा होता है उसमें 1 अपने को मैं देता हूँ, 2 मैंने इंताज को दिया, 3 उसको दिया है। जब मेरा मैं आउट जब होऊंगा, मेरा डब्बा जब जाएगा ना, तो मैं आपको ऐसा समझ लीजिएगा कि उसका वो प्रोपोर्शन जाता है सब लोगों को, पर सबसे ज्यादा दो वाले को जाता है और जो दूसरे लोग होते हैं उनको उसका छोटा छोटा जाता है। अच्छा, मैं आपके दो का मतलब 80% है और 3 का मतलब मानी 70% है, वो वोट का परसेंटेज कंप्यूटर काउंट करते हैं। ऐसा ही बोल सकते हैं, अगर राकेश मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, मैं मेरे 50 वोट आ गए, मैं हार गया हूँ, अब मेरा जो सेकंड ऑप्शन है लेट्स अज्यूम विपुल शाह है सेकंड, लेकिन वो भी ऑलरेडी हार चुके हैं, सो जो मेरा थर्ड होगा उसको वो वोट जाएंगे, करेक्ट। अच्छा, वो सपोज कीजिए दोनों हार गए, हाँ, और आप हाँ, तो आपने जो है विपुल को दिया था, आपके आए थे मान के चलिए 30 वोट और विपुल को थे 32, तो 30 का 32 में चला गया क्योंकि वो था। अब 32 वाला भी नीचे सपोज करो दोनों को मिलाया, सपोज करो वो अभी भी जो उससे आगे जो क्यू में चल रहा है उससे पीछे है वो, तो वो नॉकआउट होएगा। जब वो नॉकआउट होगा तो उसने किसको दिया उस पर डिपेंड करता है फिर। सो दैट मींस इन माय केस माय वोट्स विल गो टू द माय नंबर 3 ऑप्शन, नंबर 2 तो हार चुका है ऑलरेडी, नंबर 3 पे जो है उसको जाएंगे। नहीं, वो ऐसा है जैसे कि आप एक एक जब ये जब जो 1, 2, 3 जब दूसरा कैंडिडेट देता है तो आप 2 को 80% मानिए, 3 को आप जो है 50% मानिए, तो वो टोटल का जो वो होता क्या है कि नॉर्मली इसको समझना ऐसे होगा आपको कि मान के चलिए कि 100 वोट्स है, मैं आपको समझाता हूँ। आप भूल जाइए एक बंदा नॉकआउट हो गया है, उसके 100 वोट, हुआ क्या है उसके उसके बैलेट पेपर पे आप ऐसा लिखिए, आप सिंपल चीज, कैंडिडेट ए लिखिए आप 50 वोट, मैं लिखता हूं प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस एज बी एंड थर्ड प्रेफरेंस एज सी, ठीक है। कैंडिडेट ए को आए हैं 50 वोट, ए को 50 वोट आए हैं, हाँ, लेकिन उस ए का सेकंड प्रेफरेंस इज बी एंड थर्ड प्रेफरेंस इज सी। अभी कैंडिडेट बी है, कैंडिडेट बी को 30 वोट आए जिसका सेकंड प्रेफरेंस इज ए एंड थर्ड प्रेफरेंस इज सी। हाँ, इसको थोड़ा जो है ना रखें, ये थोड़ा मैं थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूँ उसको, खाली समझने के लिए। दिस ओके, इसको आप ऐसे समझिएगा, जब वोटर कार्ड में अगर 10 नाम होते हैं, 10 नाम होते हैं इस वोट कार्ड के ऊपर सपोज कीजिए, 10 नामों में आपने जो वोटर होता है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिख के जाता है। ओके, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा उसने 10 लिखा है उसका क्या मतलब है। उसका मतलब ये है इसकी वोट जब स्लाइस करी जाए तो ये लास्ट में चाहता है मेरा बचा कुचा 10 वाले बंदे को मिले, वोटर डिसाइड करता है। तो ये थोड़ा समझाने के लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मान के चलो मैंने 2 आपको दे दिया तो आपको मैंने वोट ट्रांसफर करा दिया, ऐसा होता नहीं है। उसका रीजन क्या है कि जनता जो होती है ना वो लिखती है 1 किसको दिया, 2 किसको दिया, 3 किसको दिया, 4 किसको दिया। तो मान के चलो 2, 2, 2, 2, 2, 2 के 10 लोगों ने मेरे को 2, 2, 2, 2 दिया तो मेरे को 80% उसका वोट ट्रांसफर हुआ। अगर मेरे को 2, 2, 2, 2, 6 लोगों ने दिया, बाकी 4 लोगों ने मेरे को मान चलो 10वां नंबर डाल दिया मेरे को, जबकि आप बोल रहे थे मेरे को 2, 2, उन्होंने 10वां मेरे को नंबर डाल दिया, तो मेरे को आपका ऐसे समझेगा जो वैल्यू जो मिलनी चाहिए थी क्योंकि यू वांट मी टू गिव नंबर 2 वो मेरे को 100% नहीं मिला, वो मेरे को सिर्फ 70% मिला, 80% मिला। तो कभी कभी आपको 2 देके भी आप जो है अगर जनता ने वो हाउ टू वोट कार्ड फॉलो नहीं किया
तो इसका क्या मतलब है कि मैं एज ए वोटर हूं तो मैं सबको नंबर दे के आता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका मतलब ये कि जब ये मेरा पहले वाला बंदा चला जाएगा तो दूसरे वाले को मैंने दो दिया, तो जब वो कंप्यूटर में जो काउंटिंग होती है वो देखते हैं कि किस आपको दो 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 कितने मिले हैं, आपको तीन 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 कितने मिले हैं। जब इसके अमरवत 10 वोटें थी तो इसको समझाया जा सकता है एक्चुअली डमी 10 वोट लगा के कार्ड लगा के पूरा एक ट्रायल बनाया जा सकता है, तब जाकर अच्छा समझ में आता है। लेकिन ऐसा समझो कि हमारे पास 10 वोट ऐसे आएंगे तो हम काउंट करेंगे कि दो 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 कितनी बार कितने हमें इंतजाज को मिले, फिर तीन 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 उसको कितने मिले, तो वो कंप्यूटर में पंच होता जाता है, वो फिर कंप्यूटर सिस्टम निकालता है उसको और निकाल के फिर वैल्यू लेके आता है। लेकिन लेमन की लैंग्वेज में हम लोग ये कह देते हैं कि अगर किसी ने आपको दो दे दिया तो आपके जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपको एक देंगे, आपने कहा दो इंतजाज को देना है तो मेरे को दो दे के जाएंगे वो। अगर आपके फॉलोअर ने आपको तो फॉलो किया और मेरे को दो नहीं दिया तो मेरा दो आपको काम नहीं आया। अब मैं आपको अच्छी मिसाल बताता हूँ। पिछली बार जो है इलेक्शन में एक इंडियन को किसी चाइनीज ने नंबर दो दे दिया कैंडिडेट ने, ठीक है जी, उस कैंडिडेट ने तो दे दिया, हाउ टू वोट कार्ड रन कर दिया। जब चाइनीज लोग कम्युनिटी के समुदाय के लोग वोट डालने गए, उन्होंने अपना देखा बंदा उनका बंदा वन है, वो दूसरे उन्हें गोरो को देखे, तीसरे को देखे, चार को देखे चले गए। उस बंदे को वोटिंग नहीं लगा, उसको जो 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 चाइनीज अपना ब्रदर था वो कैंडिडेट था वो कह रहा था कि इसको साउथ एशियन को डालना है। तो ये क्या होता है कि डिपेंड करता है कि कम्युनिटी फॉलो करती है कि नहीं करती है। तो अब मान के चलो, तो ये वोटर्स पर डिपेंड करता है कि मैंने कहा मेरी रिकमेंडेशन है कि एक मुझे मिले और नंबर दो जो राकेश जी को मिले। लेकिन जनता अगर नहीं मानती हो, कहते एक तो तुझे दे देंगे हम, मैं दो में नहीं देता इसको, इंतजाज को नहीं देता मैं, मैं तो जी क्रिस को दे के जाऊंगा। सो दैट वो फिर वो क्रिस मेरी वैल्यू का ट्रांसफर क्रिस को जाएगा। अब इसको ज्यादा अच्छा समझने के लिए ये है कि अगर ज्यादातर लोग 80-70% लोग हाउ टू वोट कार्ड फॉलो करते हैं और आपने मेरे को दो दे दिया तो जनता भी आपके हाउ टू वोट कार्ड को फॉलो कर रही है, वो आप जब आउट होंगे तो मेरे को आ जाएगा। तो इसकी सबसे बड़ी जो कहानी है कि आपको पहले उसमें तो रहना पड़ेगा ना गेम के अंदर, हालांकि प्राइमरी कम आए हुए हैं तो आप पहले आउट हो जाएंगे। उस केस में आपने क्या कहा था कि आपके 50 वोट आए और दूसरे के 30 आए और 70 उनका राकेश जी के आगे। अगर मान के चलो यहां पे ये 30 नंबर का पहला आउट हुआ था क्योंकि इसकी प्राइमरी कम थी तो जाके मेरे को एड करके 80 बन गए, करेक्ट। अगर ये और फ्रैक्शन हो जाता इनका तो हो सकता है आप प्राइमरी अगर आप आउट हो गए तब कहानी खत्म हो गई आपकी। तो ऐसा लेट्स अज्यूम देयर आर 4 कैंडिडेट्स, ठीक है, तो एक वोटर कार्ड हाउ टू वोट कार्ड में वी हैव टू गिव एज अ वोटर वी हैव टू गिव प्रेफरेंस 1, 2, 3, 4, ठीक है। So is it like that? Can we see this system like that? Number one को चार वोट मिलेंगे, number जिसको मैं number चार दूंगा one दूंगा he will get 4 votes, and जिसको मैं number तीन दूंगा he will get 3 votes, and जिसको मैं number two दूंगा he will get 2 votes, and जिसको मैं number one दूंगा he will get 1 vote। अगर इस system से भी चले I think it will get give me a better understanding। Is it the same way? आप थोड़ा इसको ना, क्योंकि ये कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, प्रेफरेंस सिस्टम जो है, इसकी दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा वोट लेके आना तो आप सिस्टम के अंदर रुके रहते हो, और सबसे कम वोट आते आप आउट हो जाते हो। तो जो आउट होने वाले लोग हैं उनका ज्यादातर जो हाउ टू वोट कार्ड है वो किसने फॉलो किया है वो जाके उसको ऐड होता है। तो आप ये क्योंकि बड़ा टेक्निकल है, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है ये, तो आप ये समझिएगा कि अगर लोग हाउ टू वोट कार्ड फॉलो ज्यादातर करते ही करते हैं लोग, और अगर आपस में दो 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 जो ज्यादा है, ये कहा जाता है अगर किसी कैंडिडेट को तीन चार लोगों ने दो दो नंबर दे दिया तो वो इलेक्शन नहीं हारता है। उसका क्या मतलब है, वो दो जिन्होंने दो 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 दिया है वो जब आउट होंगे ना तो उनका मेजोरिटी ऑफ शेयर जो है नॉट मेजोरिटी ऑफ शेयर जो है वोटों का वो आपको जो है आके एड हो जाता है, क्योंकि उनकी जो आपको 33 में से 33 वोट चाहिए 33 आगे, वो एक एक्सेप्शनल केस है, वो मेरे ख्याल से होता नहीं है, बड़ा कम होता है कि आप इतने बड़े पॉपुलर हैं, लोग आपको जानते हैं, आपने मार्केटिंग कर डाली,
कि लोगों प्राइमरी आप लोगों ने आपको बहुत ज्यादा आ गई, जो कोटा के वाला प्राइमरी आ गया। मैं समझा। सो लास्ट क्वेश्चन एज फार अ कैंडिडेट इज कंसर्न, उसके बाद वी विल गो एज ए वोटर, व्हाट इज योर सजेशन फॉर द ऑल द कैंडिडेट्स व्हिच आर इलेक्शन विंडम काउंसिल या मेलबर्न सिटी काउंसिल जो भी है, उनके लिए आपको क्या एक सजेशन है हाउ टू गेट मोर वोट और हाउ टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ एज ए गुड कैंडिडेट? उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आपको जो ना पॉलिसी पे काम करना चाहिए, और अगर आपकी अच्छी पॉलिसी है, पॉलिसी कभी कभी क्या होती है कि वो जो पॉलिसी जो ड्रिवन होनी चाहिए करंट इश्यूज को लेके, एक होती है विशलिस्ट, एक होती है पैनलिस्ट। तो व्हेन आई वर्क आई वर्क ऑन पैनलिस्ट, विशलिस्ट एक होती है कि भाई मैं ये बनाना चाहूंगा, वो ठीक है आपके आपकी ख्वाहिश है, लेकिन ख्वाहिश से ज्यादा जो जरूरत क्या है उस पर काम करना है। तो आपको कम से कम 80% जरूरत पे काम करना, इलेक्शन लड़ना चाहिए, और 20% एस्पिरेशनल आप लड़ सकते हो। दोनों में कभी कभी क्या होता है कि एक्सप्रेशन में आदमी जीत जाता है, ऐसी बात नहीं है कि आपने सपने दिखा दिए और लोगों ने आपको वोट दे दिया, बट देन द प्रॉब्लम बिकम इज सेकंड टाइम यू नो गोना विन इट, क्योंकि लोगों को आपने इतने सपने दिखा दिए, आपने कुछ भी काम किया नहीं, तो इट्स बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप क्या मुंह लेके जाओगे जनता के सामने, सो इट बिकम डिफिकल्ट। लेकिन जो इश्यूज हैं करंट, जो किसी भी कैंडिडेट को पड़ोस से जाके पूछ लो कि भाई इस इलाके में क्या इशू है। काउंसिल का एक मतलब होता है रेट रोड रबिश, तो ये रेट लेती है काउंसिल, क्या करती है रेट करेक्ट करती है, और क्या करती है लोकल रोड बनाती है, और क्या करती है रबिश करेक्ट करती है। तीन चीजों के अलावा काउंसिल कोई छोटा काम नहीं करती है, बाकी चीजें जो आती है वो एडवोकेसी की आती है। एडवोकेसी मैं ऐसे एक आम इंसान भी कर सकता हूँ, और काउंसिल बन के आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिल जाती है कि लोग कहते हैं अच्छा काउंसिल ये बात कह रहा था, नहीं तो लोग एडवोकेसी आप वैसे भी बिना वैसे भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, आप जैसे जर्नलिस्ट बने हुए हो आप भी कर सकते हो एडवोकेसी, मैं इसके लिए एडवोकेट कर रहा हूं भाई रूल्स, पेरेंट्स वीजा का इशू ले ली सपोज कीजिए अभी, तो उससे काउंसिल से कोई लेना देना नहीं है उसका, ये पेरेंट्स वीजा जो है उसको फास्ट ट्रैक कीजिए, उसकी फीस कम कीजिए, इट्स गुड फॉर सोसाइटी, गुड फॉर द कम्युनिटी, वी ऑल एग्री, बट इट्स फॉर नथिंग टू डू विद द काउंसिल। यू बट यू कैन से इन योर मैनिफेस्टो कि आई विल बी एडवोकेटिंग एट द लोकल गवर्नमेंट लेवल। आप गवर्नमेंट ले से लोकल से चिट्ठी लिखवा देते हो, यू कैन यू पुट अ नोटिस ऑफ मोशन इन अ काउंसिल कि काउंसिल मस्ट राइट अ लेटर टू द फेडरल मिनिस्टर, तो फेडरल मिनिस्टर जब चिट्ठी जाती है वो कहता है अच्छा यार काउंसिल के 3 लाख लोग हैं, क्योंकि आप 3 लाख को रिप्रेजेंट करते हो टोटल पॉपुलेशन को, वो ये रूल पास करना चाहते हैं, उसकी मन की मर्जी, वो उस पर काम करे ना करे। तो यहाँ पे आई मैंने कुछ बहुत कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन देखे कि पीपल आर ट्रोलिंग द कैंडिडेट्स डिपेंडिंग अपॉन दियर मैनिफेस्टो, जो कि पोस्टर में लिखते हैं, कोई कुछ लिखता है आई वोंट से बिकॉज़ इफ आई से समथिंग इट मे डायरेक्टली पॉइंट टू एनी कैंडिडेट। ओके, इशू लेट्स अज्यूम ए इशू इज देयर रेज्ड बाय सम कैंडिडेट, बट दैट इशू कम्स अंडर फेडरल गवर्नमेंट, नाउ ही रेज्ड दैट इशू, ही नो हाउ दैट कैन बी अचीव, लेकिन पीपल व्हाट पीपल आर डूइंग दे आर ट्रोलिंग हिम, भैया ऐसा ये क्या है, आर यू फाइटिंग अ फेडरल इलेक्शन और अ लोकल बॉडी इलेक्शन? नो हाउ इट विल गिव रिप्लाई, हाउ द कैंडिडेट विल जस्टिफाई दैट ही नोज दैट दिस इज अ फेडरल इशू बट ही हैज आइडिया ही कैन पुश द फेडरल गवर्नमेंट, ही कैन गो टू हिज द स्टेट एमपी, ही कैन पुश, ही कैन गो एंड मीट द फेडरल एमपी टू गेट things fast and out, get things implemented correctly. तो यहाँ पे उस candidate के लिए आपके क्या suggestions रहेंगे? तो मेरे ख्याल से क्योंकि ये depend करता है कि ये कैसा candidate और आपका background क्या है, आपका acumen क्या है. Suppose कीजिए हमें आपको ये हमें ना public को पहले read करना पड़ेगा हम किस demographics में किस भूगोल में हम लोग election लड़ रहे हैं. Suppose कीजिए विंडम में election लड़ रहे हैं तो विंडम की जो डेमोग्राफिक्स है वो लो सोशो इकोनॉमिक है, लोगों पर इतना पैसा नहीं है कम्पेयर टू तुरक में इलेक्शन लड़ रहा हूँ. तो अगर मैं तुरक में इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मेरे मुद्दे दूसरे होंगे तुरक के लिए, और विंडम में लड़ रहा हूँ मेरे मुद्दे दूसरे होंगे. अच्छा, अब आपने बात जो क्वेश्चन पूछा कि वो स्टेट की फेडरल की बात आपने करके आई, ठीक है ना, तो वो उसको बड़ा क्लियर करके ये कहना पड़ता है कि आई विल बी एडवोकेटिंग, आई विल बी डूइंग एडवोकेसी. ज्यादातर लोग क्या करते हैं वो क्लियर नहीं करते, मैं ये कर दूंगा बोल देते हैं बस, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस. यू कैन नॉट यूज वर्ड आई विल डू दिस, आई विल बी एडवोकेटिंग, आई विल बी तो वो वर्ड जो है ना एडवोकेसी जो शब्द है वो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो फिर वो मिसकम्युनिकेशन हो जाता है. हो सकता है उसकी इंटेंशन अच्छी हो, वो काम भी करना चाह रहा हो, फिर कभी कभी क्या है आपकी ये भी आपने सोचना पड़ेगा कि आप
आप लोकल इश्यूज पे कितना बात कर रहे हैं? लोकल इश्यू आपके बारे में कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं, अब बात कर रहे हो फेडरल की, जी मैं अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड रिलेशनशिप बनाऊंगा, चाइना की चीजों को मैं बैन करा दूंगा, वी विल डू दिस ऑल, वो बंदे अच्छा इट्स ओके, यू हैव ऑल यू इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यू कैन से ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बट डू आई बिलीव यू? तो आपको लोकल ये पता नहीं है कि आपका जो पार्क जो है उसकी जो कि वहां पर अगर टॉयलेट्स नहीं है पार्क के अंदर, उसकी मेंटेनेंस कितनी बार होती है? तो ज्यादातर जो लोग जो इलेक्शन लड़ते हैं वो कभी भी काउंसिल की मीटिंग्स में नहीं जाते, तो मेरे एडवाइस ये होगी लोगों को कम से कम 6 महीने पहले काउंसिल की हर मीटिंग में, 1 महीने में एक मीटिंग होती है, आप मीटिंग में जाके बैठे देखे कि सामने कैसे डिबेट होती है, क्योंकि काउंसलर करता है क्या एक्चुअली, चैम्बर में जाता है 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए, हर वहां पे आपका एजेंडा मिलता है, उस पर डिबेट चल रही होती है, जैसे कि हमने पार्लियामेंट में देखा होता है। तो हमने विंडम सिटी काउंसिल की जो अलग की ये है कि हमने डिबेट ही ऑनलाइन करा था, कि आई वाज द फर्स्ट काउंसलर हु मेड दिस सिटी टू पब्लिश्ड ऑनलाइन एंड डिबेट हैव टू बी लाइव टेलीकास्ट थ्रू द फेसबुक ऑफ कोर्स। तो ये ऐसी अब टूल इतने, अगर आप नहीं भी जा रहे तो आप घर खोल के बैठ जाओ, अगर आपको पता चलेगा वहां कैसे बहस हो रही है, यू विल गेट टू नो कि यार ये वोटिंग सिस्टम क्या होता है, फिर आप जो आप और आपको डेमोक्रेटिक राइट है, क्योंकि वो आप चैम्बर में आप जाते हो तो आपके व्यू पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट हाउ यू प्रेजेंटिंग योर व्यूज। तो ये आधे सारे कैंडिडेट्स को ये सोचना पड़ेगा, अगर आपको मैं स्टेज पे चढ़ा दूं लोगों के सामने, कैन यू डू डिबेट? गुड गुड, सो इंटाची आई थिंक वी हैव डन विद द कैंडिडेट पार्ट, लेट्स नाउ मूव टू द वोटर पार्ट। एज ए वोटर, अगर आप अपने आप को देखते हो एंड यू आर ए न्यूली क्रिएटेड वोटर हियर, प्रीवियसली यू आर नॉट अ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, ओके, नाउ यू हैव फर्स्ट टाइम वोटर, सो फर्स्ट टाइम वोटर के लिए व्हाट आर योर सजेशंस, व्हाट आर योर आइडियाज, सो दैट that voter will follow before voting? I think वो एक तो ये सबसे पहले जो कॉमन एक चीज है कि प्रोफेशनल सिस्टम को समझना होगा, उसमें हर बंदे को आपने 1-2-3 पूरे सबको नंबर देना है, नहीं तो आपकी वोट इनफॉर्मल हो जाती है। तो वन इंडिया में या साउथ एशियन कंट्रीज अपने में क्या होता है कि वन करके हम लोग चले जाते हैं कि वोट 1-4, मैं एक इंतजाज को वोट करूंगा, राकेश जी को वोट करूंगा, मोहन जी को वोट करूंगा, जोशी वोट करूंगा, 1-1 लेके चला जाएगा बंदा। लेकिन यहाँ पे सबको देना है, सो वोटर नीड टू बी नॉट टू क्रेजी, यू हैव टू चूज वन हु इज वोटिंग फॉर वन, एंड देन ही शुड आल्सो पुट अ गुड थॉट इन अ माइंड कि 2 किसको देना है, 3 किसको देना है, 4। तो वोटर की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कंट्री के अंदर, अगर 10 कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो उस गरीब आदमी को 10 के लिए वोट करना ही है, यू हैव टू गिव 1-2-3-4। So voter is the most, voter is a classic part of this business. The probability part for a voter is the max, bigger number of candidates, because in that he case, he has more time. You have to choose all of them, number one, then number two, then number three, you have to give all, so you have to give his preferential system. कि ये एक मेरा घोड़ा है, 2 इस पे, 3 इस पे, 4 इस पे, 5 इस पे, हम लोग रेस खेलने जाते हैं ना, तो भाई ये मेरा घोड़ा नंबर 1 ये, 2 ये, तीसरा ये, when you predict all in a good in the correct sequence, correct, but you have to give all of them 1-2-3-4-5 till the total number of candidates are, पूरे बैलेट पेपर को देना, अगर आपने एक पे दे दिया अच्छा एक का कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा अगर मैंने सेम प्रेफरेंस 2 को दिया, उन केस में सभी भरे, लेकिन मैंने इम्तियाज को भी 1 दिया, राकेश को भी 1 दिया, बाकी को भी मैंने दिया, लेकिन इन दिस केस व्हाट विल हैपन? वो इनफॉर्मल वोट कैंसिल हो गया, वोट खराब हो गया, ऐसा यू ओनली अलाउड टू गिव 1-1 टू द 2, बिकॉज़ यू कांट से 1-1-1-1-1, देन इट विल बिकम इनफॉर्मल वोट। माय लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी हैव द क्लोजिंग सेशन, as per Vindham Council elections are concerned, the last day of voting is, I think, 28th October or 24th. So what this mean? Because this is postal election. So as voter, kya samjhega? Ye 24 ko usko post box mein dalna hai? Kya? It's a very good question you asked me this one. And I'm laughing it. कि कुछ लोग जो कैंडिडेट है उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन विल बी हेल्ड ऑन 24th of October, 24th तो खत्म हो रहा है, इलेक्शन हेल्ड नहीं हो रहा। 24th of October यू मस्ट ड्रॉप योर वोट बिफोर 24th of October इन पोस्टल वोट। तो लास्ट दिन जो पोस्ट करने का है,
आपके पोस्ट ऑफिस जो आपका रखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें 4 बजे से पहले पहले वो आपका लेटर अंदर चला जाना चाहिए। सो जो भी लेटर, कहीं भी लेटर बॉक्स होगा, वी कैन ड्रॉप इन दैट। करेक्ट, करेक्ट। सो दैट मींस अगर मैंने 6th स्टार्ट, तो 6 से स्टार्ट हो रहा है वो, 6th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। So that means अगर 24th को कितने बजे तक I can put the drop that postal ballot in the letter box? कोई टाइम होगा? 4 बजे नाइट, 4 ही होता है ना जो, क्योंकि I think 4 o'clock is cut off date. Okay, okay. That means अगर 5 बजे मैं डालता हूँ that वो that won't be collected. डाक अगर चला गया तो चला गया ना, वो डाकिया आया लेने के लिए, उठाया उसने नंबर खोला, चला गया। Next day वो नेक्स्ट डे वो उसको काउंट नहीं करेगा। बिकॉज व्हाट हैपेंड ना, पोस्ट ऑफिस में आप लेके चिट्ठी डाल दी, वो जाके लोकल पोस्ट ऑफिस जाती है, उस पर स्टैंप लगता है, रिसीव हो गया, तो आज का रिसीव हो गया तो वैलिड है, नेक्स्ट डे का रिसीव वैलिड नहीं है भाई। 25th को आपने डाल दिया तो चिट्ठी तो चला जाएगा वो, लेकिन वो इनवैलिड हो जाएगा। अभी अगर जैसे मैं आई एम लिविंग इन अ रेंटेड अकोमोडेशन, so can ye how this voting changes mera constituency, how it changes ye kaise india mein kya hota hai ki if main pune ka hu, main pehle harapsar mein, pune south mein ek harapsar constituency thi, wahan se main ye I was a voter, then I came to wakad, this that is a west of west north of pune, so maine naya form bhara wakad mein, wahan pe apna epic card diya, unhone wo transfer kara ke they issued me a new epic card। तो यहाँ पे कैसे होता है, अगर आप आज डेनिनोंग में हो, कल आप कहीं और जाते हो, हाउ इट हैपेंस? तो 28 ऑफ अगस्त वाज अ कट ऑफ डेट, 28 ऑफ अगस्त वाज कट ऑफ डेट एंड नॉमिनेशन वाज ऑन 17th ऑफ सितंबर। तो 2 हफ्ते पहले पहले ये लोग कट ऑफ डेट स्टार्ट कर देते हैं, तो नॉमिनेशन से पहले पहले, तो क्योंकि सिस्टम पूरा इलेक्ट्रॉनिक है यहाँ पर, तो आपने इलेक्ट्रॉनिकली आप अपना वोट को अपडेट कर सकते हो ऑनलाइन जाकर। ओके ओके, सब कुछ ऑनलाइन, और वोट आपका नंबर जो है ना वोटर, वो आपका वो इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट होता रहता है, सो यू कैन नॉट डू ट्वाइस 3 times। वो आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका उसमें घर का एड्रेस है, आपका नाम है, आपका मेडिकार से लिंक है वो, तो यू कैन नॉट डू हैंकी पैंकी, तो वो बट यू डोंट हैव टू वेट अबाउट इट, यू जस्ट गो ऑनलाइन एंड यू डू इट। सिंपल चीज बता, यहाँ का वोटर आईडी कार्ड उनके आधार से लिंक नहीं है। यहाँ पे लिंक इंडिया में लिंक नहीं है, मतलब एग्जांपल, बिकॉज़ वी आर लिंक्ड अप यांकी पैंकी, बिकॉज़ एवरीथिंग सेंट्रलाइज्ड इन इंडिया, सिंस इलेक्शन कार्ड इज नॉट लिंक्ड टू द आधार, सो वहां पे 2-3 कार्ड निकलते हैं, बट हियर सिंस इट इज सेंट्रलाइज्ड, सो वी कैन नॉट हैव मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड्स हियर। देखिए, ये बात हम इंडिया की अगर कर रहे हैं, तो इंडिया में पॉपुलेशन जो होती है, वोटर्स की जो टर्नआउट जो है, वो 80% भी चला जाता है, 72 तो नॉर्मल होता ही होता है इंडिया में, जबकि कंट्री इलिटरेट है। उसका रीजन क्या है कि लोग बड़े पार्टिसिपेट करते हैं, लोग लोगों को लेके आते हैं, लोगों को लोग, और जो है कि वोट लोगों का डलवा देते हैं, या लोगों को जैसे हेल्प करते हैं वोट डलवाने में। लेकिन इंडिया का सिस्टम जो है वो, उस पर तो कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ का सिस्टम बड़ा अच्छा है कि आपका जो है ना ऑनलाइन सिस्टम है, यू अलाउ टू प्लेस योर वोट ऑनलाइन वंस। अच्छा, आपने वो क्वेश्चन नहीं पूछा कि अब अगर आप ये काउंसिल को छोड़कर फेडरल में जो इलेक्शन जो होता है, अगर आप मेलबर्न में आपकी वोट रजिस्टर्ड है, आप क्वींसलैंड में हैं, तो आप क्वींसलैंड में जाके किसी वहां पे जाके अपना वोट डाल सकते हो। अगर आप मेलबर्न में आपकी रिहाइश है, और आप फेडरल में इलेक्शन वोट कर रहे हो, और आप हैपन टू बी योर फ्रेंड एट सिडनी, करेक्ट, सिडनी का जो लोकल बूथ होगा वहां जाके बताएं, तो पूरा डाटाबेस होता है, वहां जाके आपका वोट टिक कर देगा, तो यू डोंट गेट ए फाइन। और यहाँ पे आपको वोट ना देने पे फाइन होता है, तो ये कंपलसरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको आप सिडनी में रह के मेलबर्न के लिए यू कैन वोट, यस, फेडरल इलेक्शन में, फेडरल इलेक्शन में, लोकल काउंसिल में नहीं, काउंसिल में तो पता, क्योंकि इतना टाइम ही लगा है ना आपको, ये जो एब्सेंटी वोट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ना, वोटिंग सिस्टम यहाँ का जो है वो बड़ा अजीब है। तो आपने क्वेश्चन पूछा, चलो तो काउंसिल की बात मैं नहीं करूंगा, मैं बात आपसे दूसरा करना चाहूंगा उसकी, फेडरल की सिस्टम की, वो चीज ऑल्सो रिलेट टू द सिस्टम, कि 2 हफ्ते पहले वोटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप अपने शहर में नहीं है और आप और कहीं हैं, तो आपको जाके आप पहले वोट डाल सकते हो भाई।
आपने जो फेडरल इलेक्शन का देखा होगा डेट होती है सैटरडे को वोटिंग होती है, लेकिन उससे पहले भी लोग वोट डाल आते हैं। क्या मतलब है, आपको कहीं बाहर जाना है तो आपको पहले ऑप्शन दिया गया है, आप वहां बूथ बने हुए हैं, वो एक लिमिटेड बूथ होता है एरिया में, या दो तीन बूथ बनाते हैं वहां पे, एग्जैक्टली सेम सिस्टम चल रहा होता है, वहां जाके पहले लोग वोट डाल आते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है आपको कि वोट तो एक ही बार डालना है ना यार, उसको पहले डाल दो बाद में डाल दो, बात एक ही है। चलो इम्तियाज जी, आई थिंक इट वॉज अ वंडरफुल डिस्कशन विद यू, एंड आई होप इट विल गिव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग टू आवर वोटर्स, मेजरली अभी तो वोटर को ही, बिकॉज नाउ इट्स वेरी लेट कैंडिडेट्स के लिए कुछ बोलना, बट स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड लेट्स गिव बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन फाइटिंग इलेक्शन, एंड लेट्स होप ऑल द वोटर्स especially for from the South Asian background, they vote wisely. They do not vote based on their caste, religion, creed, nothing. They simply vote on development. Who has a better manifesto, they should vote for that candidate. So on that note, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप Lotus World की चैनल पे आए, हमसे दो बातें की, अपने दिल की बात बताई, लोगों के जो प्रश्नों के आपने उत्तर दिए। So, इसी के साथ हम इस कार्यक्रम का अंत करते हैं, धन्यवाद।